जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है और खास होने की वजह है राहु केतु का राशि परिवर्तन। 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा, यानी राहु और केतु दोनों ग्रह जो अभी तक मेष राशि और तुला राशि में चल रहे थे, अब ये मीन और कन्या राशि में गोचर करेंगे। क्योंकि ये सदैव उल्टी गति से चलते हैं, इसलिए वक्र गति से चलते हुए ये ग्रह पीछे की तरफ मूवमेंट करेंगे। यानी राहु अब मेष से निकलकर मीन में और केतु यहाँ तुला से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेगा। इन 18 महीनों के अंदर राहु केतु अब आपकी राशि से देखा जाए तो 12वें और 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। तो इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, ये हम इस वीडियो में बता रहे हैं। राशि यानी हमारा जो ये वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा 7 नंबर में लिखा हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए, या आपका बोलता नाम तुला राशि के आधार पर है तो भी यह वीडियो आपके लिए है। आइए देखते हैं कि 18 महीने में क्या आपके जीवन में हो सकता है। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें, यदि आपको किसी भी तरीके से राहु केतु से संबंधित महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा का प्रभाव भी चल रहा है तो आप इस बात को समझ जाइए कि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपके पास अन्य लोगों के मुकाबले ज्यादा होगा। एक तो राशि से प्रभाव देख रहे हैं, ऊपर से दशा में भी आ गया, यानी कहीं ना कहीं अधिक प्रभावशाली। अगर हम देखें तो राहु का मैंने आपको बताया ही है मेष से मीन में, केतु तुला से कन्या में। इस दौरान ये 6 और 12 अक्ष पर गोचर करेंगे। इस दौरान ये रेवती, उत्तरा, भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेगा राहु, और केतु यहाँ चित्रा, हस्त और उत्तरा फागुनी नक्षत्र में गोचर करेगा। इन नक्षत्रों का भी क्या प्रभाव पड़ेगा ये सब कुछ मैं इसमें ऐड करके बताऊंगा, यानी आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा, कुछ साइंटिफिकली या लॉजिकली नहीं, जिससे आप कभी इलज ना जाए कि इसमें तो बहुत सारी चीजें बता दी। देखिए, शास्त्र कहता है जब कोई ग्रह किसी राशि पे बैठता है या किसी अक्ष पर आता है तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली वो वहां होता है जिस अक्ष, जिस राशि पर वो आया है। यानी जिस भाव में वो बैठा है, जिस भाव से उसका संबंध है, वहां वो सबसे ज्यादा एक्टिवेट है। आप जहां स्थित होते हैं वहां आप ज्यादा एक्टिवेट है। आप भले ही किलोमीटर दूर तक भी देख रहे हो, लेकिन सिर्फ आप देख सकते हैं, वहां तक एक्टिव नहीं हो सकते। एग्जैक्टली यहाँ पर स्थिति है जो हमें एक बार में स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि अभी अब राहु केतु आपकी राशि और राशि से सप्तम से निकल जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? राशि से 6ठे और 12वें घर के अंदर। अब राहु और केतु 18 महीने तक 6 और 12 अक्ष को इस्तेमाल करेंगे। अब राहु और केतु 6 और 12 अक्ष तक स्थित रहेंगे, 6 और 12 अक्ष से संबंधित प्रभाव आपको देंगे। इसमें सबसे पॉजिटिव बात क्या होगी, जिसको मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली अच्छा मानता हूँ, वो होता है बृहस्पति। राहु केतु अक्षस में बृहस्पति का होना गुरु चांडाल तो बनाता ही है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को भी प्रॉब्लम देता है। क्योंकि बृहस्पति अगर यहाँ से बैठ के 11th हाउस लाभ स्थान को देख रहा है तो पीछे पीछे राहु भी इसके साथ बैठ के देख रहा है, यानी 11वें घर पर लाभ के भाव पर गुरु और राहु दोनों की दृष्टि है। इसलिए क्या है, एवरेज हो रही है, वो चीज़ें मिली जुली हो रही है, वो चीज जो प्रॉफिट पूरा होना चाहिए वो उतना नहीं हो रहा। अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं कि अब राहु 6ठे में और केतु 12वें में पहुंचेंगे, 18 महीने तक प्रभाव रहेगा। 6ठा घर क्या है? रोग, ऋण, शत्रु, झगड़ा, झंझट, जीवन का संघर्ष, परेशानी, लोन्स, ईएमआई, बीमारी पर होने वाला खर्च 6ठे घर में आता है और वहां बैठा है राहु। यानी राहु अब 6ठे घर के कारकत्वों को ग्रहण करेगा। केतु कहाँ बैठा है? 12वें घर में। 12वां घर किसका है? खर्च का है, नुकसान का है, यात्राओं का है, धार्मिक यात्रा, विदेश यात्रा, दूर स्थान की यात्रा, अध्यात्म, मोक्ष, धर्म कर्म, योगा प्राणायाम, इसके लिए 12वां घर जाना गया। यानी अब आप एक बात समझ जाइए कि राहु 6ठे घर के रिजल्ट देगा, केतु 12वें घर में बैठ के रिजल्ट देगा और वहां पे जो कारकत्व स्थित है उनको ग्रहण करेगा। जैसे राहु बैठा 6ठे घर में, 6th हाउस, शास्त्र कहता है कि 3रा, 6ठा और 11वां घर जो होता है ये त्रिषड आय भाव है। इसमें अगर कोई अशुभ ग्रह बैठता है, क्योंकि ये अशुभ भाव है, अशुभ भावों में अशुभ ग्रह अच्छे हैं, शुभ भावों में शुभ ग्रह अच्छे हैं। अब इसको चेंज कर दो, शुभ भावों में अशुभ ग्रह खराब हैं और अशुभ भावों के अंदर शुभ ग्रह खराब हैं। तो अगर खराब भाव है 6ठा, इसमें कोई शुभ ग्रह जाता है तो वो अच्छा नहीं है। अब राहु मैलेफिक प्लेनेट है, स्वभाव से अशुभ है, इसलिए 6ठे घर में बैठना उसे अच्छा लगता है।
छठे घर में क्या है, रोग ऋण शत्रु है, ये रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देने में सक्षम है, इसका मतलब दोनों चीजें हैं इसमें, ये यहां हेल्थ इश्यूज देगा लेकिन उससे लड़ने की क्षमता भी देगा। रोग के बाद आता है ऋण, ये यहां लोन्स में डालेगा लेकिन ईएमआई भी आपकी किसी ना किसी तरीके से चुक ही जाएगी। रिपु, ये आपके साथ किसी प्रकार का ज्यादा एफर्ट्स लगवा सकता है, किसी के साथ झगड़ा झंझट या विवाद ना करा दे, इसका ध्यान रखें, और अगर वो हो गया है तो उस विवाद से लड़ने की क्षमता आपको राहु देगा, क्योंकि राहु दोनों तरीके के रिजल्ट देगा। मैलेफिक्स प्लैनेट सिक्स हाउस में बैटर है, उसके पीछे रीजन ये है कि वो स्वभाव से अशुभ है। अब गंदी जगहों पे जाके तो वही व्यक्ति लड़ सकता है जो स्वभाव से निडर हो और निर्भीक हो। एक शरीफ आदमी को अगर आपने वहां भेज दिया तो वो घबरा के सरेंडर कर देगा पहले ही, लेकिन ये वहां लड़ेगा। लेकिन सिक्स हाउस में क्या है, रोग ऋण रिपु है, उनसे लड़ने की क्षमता देगा राहु। इसका मतलब सीधी बात है, लड़ने की क्षमता देगा मतलब है, इसका मतलब वो सब चीजें आपके जीवन में होंगी, रोग भी होंगे, ऋण भी होगा, रिपु भी होगा, हेल्थ पर भी पैसा खर्च कराएगा, मेहनत करा के पैसा देता रहेगा, आपका किसी ना किसी प्रकार से खर्च होता रहेगा, आपके ऊपर ईएमआई चलती रहेंगी, उसका प्रेशर बना रहेगा, आप उसको चुकाते रहेंगे, राहु हिम्मत देता रहेगा। अब इन्हीं से संबंधित अगर आपका कोई वर्क है, रोग यानी मेडिसिन और मेडिकल से संबंधित अगर आपका कोई काम है तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरा ऋण, अगर आपका लोन का, फाइनेंस का, हेल्थ पॉलिसी बेचने का काम है तो आपके लिए ये अच्छा हो जाएगा, उस हिसाब से ये शुभ है। रिपु, अगर आपका कोर्ट कचहरी वकालत से संबंधित कोई काम है तो आपके लिए शुभ हो जाएगा। अब यहां से बैठकर राहु देख रहा है पांचवी दृष्टि से आपके दशम भाव को, यानी कर्म और कार्य क्षेत्र के प्रति संघर्ष के साथ सफलता दिलाने का योग है राहु से, क्योंकि राहु छठे घर में बैठकर खुश होता है। ये शुक्र का राशि है, शुक्र की राशि के लिए राहु मित्र है, यानी राहु का काम है अपनी तरफ से बेहतर करने का, लेकिन वो कहता जी मैं एक ऐसे भाव में बैठा हूं जो भाव के कारकत्व ही खराब है, इसलिए कहा गया है कि राहु केतु केंद्र त्रिकोण में हो जाएं और केंद्र त्रिकोण के स्वामियों से ही उसका संबंध हो, तो अचानक से धन योग या लॉटरी योग देता है। अब राहु कह रहा मैं अकेला तो हूं, लेकिन ये बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति की राशि शुक्र के लिए देखें तो शत्रु है, राहु के लिए देखें तो शत्रु है, तो कहता जी मैं हूं सिक्स हाउस में, मैं आपको बलहीन नहीं करूंगा, मैं आपसे लड़ने की क्षमता देता रहूंगा, लेकिन छठे घर के कारकत्वों को ग्रहण करके तो रिजल्ट लेने ही पड़ेंगे, इसलिए उन चीजों के प्रति सावधान भी रहना है आपको जो मैंने आपको बताई। के तो यहां से अगर टेंथ हाउस को देखता है तो यहां से बैठ के धन के भाव को भी देखता है, फाइनेंस को भी किसी ना किसी तरीके से देता रहेगा, लेकिन ऐसे राहु से जोड़ने की उम्मीद कम की जाती है। क्या मेरा पैसा जुड़ जाएगा राहु की वजह से? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि आता रहेगा लेकिन किसी ना किसी साधन से जाता भी रहेगा। अब केतु ट्वेल्थ हाउस में, बारहवें घर का केतु हो, सबसे पहले आंखों के रोग, दांत के रोग, नाक के रोग इस दौरान केतु देने में सक्षम है, यानी यहाँ भी हेल्थ का इशू से कुछ ना कुछ आएगा, छठा घर बीमारी, बारहवें घर अस्पताल, यानी हेल्थ पर या बीमारी पर दवाई गोलियों पर पैसा खर्च हो रहा है या इस दौरान होगा, ऐसे समझ सकते हैं। केतु ट्वेल्थ हाउस में है, अध्यात्म के प्रति जागृत करता, पूजा पाठ दान धर्म के प्रति जागृत करता है, धार्मिक यात्रा करने का मन करता है, धार्मिक कार्य में लगने का मन करता है, आध्यात्म में जाने का मन करेगा आपका, योगा प्राणायाम में मन करेगा कि कहीं शांति हो जाए, आधा पौना घंटे रोजाना ऐसी जगह निकालो जहां जाके मन को बहुत शांति मिलती हो, वेद वेदांग पढ़ने शुरू कर दो, सनातन धर्म का प्रचार करना शुरू कर दो। ये सब कहां से आती हैं चीज़ें? ये ट्वेल्थ हाउस में केतु से आती हैं, क्योंकि बार केतु आध्यात्म है और बारहवें घर मोक्ष का ग्रह है, भाव, तो वहां जाके विचार भी आपको ऐसे ही आने। कुछ लोग आश्रमों में चले जाते हैं, कुछ लोग इस दौरान गुरु का नाम लेते रहते हैं, क्योंकि बारहवा घर गुरु का आश्रम भी है, बारहवा घर अस्पताल भी है, अगर हॉरोस्कोप में दशा खराब चल रही है तो यही केतु अस्पताल में भर्ती करा सकता है, बारहवा घर जेल भी, अगर आपकी कुंडली के अंदर खराब दोष बन रहे हैं और केतु का प्रभाव भी इस तरीके से है तो आप कुछ समय के लिए जेल भी जा सकते हो, क्योंकि केतु के पास दोनों चीजें हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की मिलनी है। अब व्यक्ति सोचता है मैं इस दौरान लड़ाई झगड़ा कर लूं, गलती भी कर दूं और उसके बाद भी मैं सेफ हो जाऊं, तो सिक्स और ट्वेल्थ हाउस के खराब कारकत्व आपको लपेटेंगे, और आप इस दौरान सब चीज़ों को ठीक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से बच जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, बीमार हो गए, अस्पताल गए, ठीक होकर जल्दी से आ गए, फिर परेशानी हुई, परेशानी से आपने निपटारा पा लिया,
कोई झगड़ा झंझट हुआ, कोर्ट कचहरी से पहले ही वो समाप्त हो गया, उस चीजों के लिए जाना जाता है। तो वो चीजें हमें यहां से है। केतु का 12वें घर से बैठ के पंचम दृष्टि अगर यहां जाती है तो ये घर परिवार के प्रति चिंता को दर्शाती है। ये दृष्टि कहीं ना कहीं बताती है कि इस दौरान परिवार के प्रति आपका चिंतन, उसके प्रति आपका लगाव और ध्यान बढ़ेगा। तो ये चीजें हमें केतु से मिलती हैं। और सबसे पहली बात जो मैंने आपको शुरू में ही बताई कि भैया ये 12 और 6 अक्ष पे हैं, स्वभाव में मैलेफिक होते हैं राहु केतु, अशुभ ग्रहों की संज्ञा में आता है। किसी भी शास्त्र को उठा के पढ़ लो कि राशि से 6ठे घर में मैलेफिक प्लेनेट है तो क्या करता है, और राशि से 12वें में अशुभ ग्रह हो तो क्या करता है, और जब 6-12 अक्ष बने तो राहु केतु क्या करेंगे। मैंने तो जो चीजें पढ़ी हैं वही चीज मैंने आपको यहां बताई है। अब ऐसी स्थिति में जितना ज्यादा से ज्यादा भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश की आराधना करते रहोगे उतना आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, या कह सकते हैं प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉर्ट आउट कर देगा। यानी क्या कह सकते हैं, त्र्यंबकम मंत्र का जाप करो, शिवालय में जाओ शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, रुद्राष्टकम का पाठ करो, लिंगाष्टकम का पाठ करो, गणेश अथर्व शीर्ष स्तोत्र का पाठ करो, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करो, मृत्युंजय मंत्र का जाप करो। ये सब पूजाएं हैं जो आपको इन प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगी। तो ये था हमारा आज का विषय कि राहु केतु का ट्रांजिट तुला राशि के जातकों के लिए कैसा है, ये मैंने आपको यहां बताया। ये आपकी पूरी कुंडली का फलित नहीं है, ये सिर्फ राशि के आधार पर गोचर का फलित है। जय श्री राम।